सभी साथियों को नमस्कार। मैं मंजीत कोथ आज गांव ड्योड़ा जिला जींद में पहुंचे हैं और आप सभी को पता है कि जो चुनावी बिगुल है, पंचायती चुनावी बिगुल है, वो बज चुका है। तो आज ड्योड़ा गांव में पहुंचने का हमारा मुख्य मकसद है कि जो महिला की सीट है वह रिजर्व हुई है, तो उसमें के कुछ चुनावी मुद्दे लेके आए हैं, के कुछ समस्या गांव में बन रही है, क्योंकि वोट मांगने भी जावे है, सारी बातचीत करांगे के कुछ इनका के समस्या गांव में रहने रखी है। तो शास्त्री जी हैं, इनकी पुत्र वधु है जो एड तक कैंडिडेट उठ रही है, और बातचीत करें के कुछ चुनावी मुद्दे आगे इनके आगे सामने आए हैं। राम राम जी। राम राम जी। साहु जी आप इस पर आ जाओ, आप बैठे रहो, बैठे रहो। तो के कुछ मुख्य एजेंडा लेकर आप मैदान में आए हो जी? एक तो जी सभी पंचायत वालों को सभी को राम राम, और कर्मचारियों को सभी राम राम जी। तो जी अपनी जो पुत्र वधु है मुकेश देवी, मुकेश देवी हाँ जी, जी। तो ये पंचायती उम्मीदवार के लिए गई है जी। सबसे पहले गांव में शिविर की व्यवस्था होगी जी। उसके बाद जी गांव में पानी की बहुत परेशानी है, पानी की पूरी सप्लाई के लिए चाहे बोर लगाओ चाहे इधर से नरवाना साइड से किसी भी तरह से पानी की पूरा विकास होगा। शास्त्री जी पानी पीने के पानी की समस्या बन रही है, बहुत भारी समस्या है जी। पानी की यहाँ बहुत भारी समस्या है, कभी मोटर जड़ जाए परेशानी बहुत है। और एक निकासी की जी। हाँ। तीसरी है जी यहाँ पर अपने 4700 स्कूल हरियाणा में टूट चुके हैं। हाँ। और हमारे यहाँ कन्या पाठशाला का भी नंबर आ रहा है। अच्छा। तो सबसे पहले जी हमने बच्चों के लिए विशेष ध्यान रखना है, हम 36 बिरादरी की कमेटी बनावांगे, और कमेटी के हिसाब से स्कूल के अंदर जो टीचरों के हर एक महीने वहाँ पर जावांगे, और जाने के बाद हर एक क्लास का टेस्ट होगा, उसके बाद अगले महीने में बच्चा कितना पढ़िया है, उसके बाद स्कूल में मैंने बच्चों का पूरा करना, स्कूल को बचाना है। यानी जो स्कूल के हालात बिगड़ रहे हैं इसी कारण बाहर बच्चे जावे हैं, अगर सुविधा बढ़ी होनी तो बाहर जावे कोई। हाँ जी। तो आप उस पर फोकस रखोगे? हाँ जी, पूर्ण रूप से फोकस रखा जी। और 5 साल के लिए यहाँ पर पूर्ण रूप से जी गाँव में सुचारू रूप से अच्छे कार्य करने के लिए यहाँ पर आप इस बीच में अगर पंचायती उम्मीदवार आ रहे हैं तो, और जितनी भी ये गलियाँ हैं इनके लिए, कहीं पर जो कच्ची गलियाँ हैं उनके लिए भी पूर्ण रूप से वो है, यानी अच्छे कार्यों के लिए ही यहाँ पर 5 साल का कदम उठाया बेटी ने, पुत्र वधु ने जी। शास्त्री जी जैसे गांव में CCTV की व्यवस्था होनी चाहिए, क्योंकि रात में चोरी की वारदात भी बहुत ज़्यादा होगा गाँव में, कड़िया महस को लकड़िया कुछ हो गया, बाइक उठी गाड़ी उठी, ये समस्या बनी रहे। CCTV हो तो शायद वो चोर पकड़े जावे, ऐसा और नहीं करें आदि, उसमें भी 99% पूर्ण रूप से सभी से मिलकर ने उसका भी पूर्ण रूप से विकास होगा, और स्ट्रीट लाइट वगैरह हाँ पूर्ण रूप से होगी जी। उसमें लोगों की सहमति के द्वारा और गांव की पंच मतलब जितने पंच हैं और जो कमेटी होगी और सभी से मिलकर के 36 बिरादरी से मिलकर के 36 बिरादरी की सरपंची होगी, न कि एक ही, सभी से मिलकर के मिलकर विकास करना है। यानी वो खोया करा गांव राम, यानी पूरा गांव राम की सरपंची, गांव राम की सरपंची होगी जी। इसमें नहीं है एक ही नहीं है, यह हमें पूर्ण रूप से वायदा है बड़ी पंचायत के अंदर ऐसा ही होगा। और जो आपकी पुत्र वधु है कितनी पढ़ी लिखी है? वो एम ए बी एड है जी स्त्री से, एम ए बी एड। और जो हाँ उसके पति देव है वो कितने पढ़े लिखे है, क्या कुछ काम करते? वो भी एम ए है जी, और JBT टेस्ट क्लियर नहीं है, JBT है, और उन्होंने शोरूम बना रखा है नगूरा के अंदर, ACR इन्वर्टर बैटरी LED फ्रिज कूलर का। अच्छा। और साथ में 150 बच्चों की ये जो नेट की तैयारी कर रहे हैं, ऑनलाइन की तैयारी कर रहे हैं, Z+ लाइब्रेरी है नगूरा में। अच्छा, Z+। हाँ जी, डबल स्टोरी की है वो, सिंगल स्टोरी की है। चलो देखो बहुत बढ़िया बात बताई है सर ने, और क्या कुछ अपील करना चाहोगे जो गांव के लोग हैं इनसे, क्योंकि जो वोटर हैं आपके उनसे क्या कुछ अपील करना चाहोगे? वोटरों से ये है जी, सबसे अच्छे तो अच्छे चेहरे को देख के देखो भाई, जो गाँव में विकास हो वो तो किसी को भी बनाओ, लेकिन ये देखो भाई ये विकास गाँव में करेगा, हम तो यही कहाँ भाई उसको देख कर भाई विकास वाले को बढ़ाओ, जिसको जहाँ पर मन लगे भाई ये विकास करो उसी को वोट दो जी। चलो और भी देखो गाम राम बैठा हो रहा है, शुक्रदत्त आदमी बैठे हूँ तब बातचीत करांगे। राम राम जी। राम राम। क्या नाम था वो? रामकरण। रामकरण है। तो के कुछ लागे है अपने मुकेश देवी जी जो शास्त्री जी की पुत्र वधु है मैदान में आई है, तो किस तरह के समर्थन मिल रहे आप लोग जा रहे हो वोट मांगने? लोगों का समर्थन का तो ऐसा जी अभी कैंडिडेट का दिए नहीं हुए हैं, तो समर्थन का तो उसे टाइम के बाद पता लगेगा। जैसे आप पहुंच रहे हो वोटा की अपील कर रहे हो, लोग दरवाजा बजा रहे हो, तो क्या कुछ कम है? अभी तो सारे यहीं आश्वासन मिले हैं, भाई देवांगे तुम्हारे साथ, हाँ हर जगह आश्वासन मिल रहा है। अच्छा, यानी मजबूती मिल रही है अपना? मजबूती मिल रही है जी। और भी बैठे हैं
ताऊ जी और करिए घुमाइए भाई। ताऊ जी राम राम। राम राम भाई। तो के कुछ कहना चाहोगे जो मुकेश देवी जी मैदान में आ रही हैं, क्योंकि साफ छवि की है और ये हमने पूर्ण विश्वास है ये विकास में बहुत भागीदार रहेगी। आज सभी इन्हें ब्राह्मण संस्था से यह चुनी गई है, 36 बरादरी ऐसी होगी। चलो शास्त्री जी के बारे में भी थोड़ा बता दो। देखो पुत्र वधू तो आपने इतना नहीं जानते क्योंकि शास्त्री जी के बारे में तो जानो, इस तरह के स्वभाव के नहीं, बहुत बहुत सुंदर स्वभाव के हैं, मतलब इसमें कोई कपट छल कपट नहीं है, साफ छवि के है ये। काम की कुछ समस्या लगा आपने, कोई बड़ी समस्या इसी लगी? बस ये समस्या तो ये है पढ़ाई के बारे में, स्कूल के बारे में, गली यहाँ की ये विकास हो जाए, जहाँ कच्ची है वहाँ पक्की बनाई जाए। राम राम जी। राम राम। मुकेश देवी जी आ रही है जी, इलेक्शन लड़ रही है पंचायती चुनाव का, सरपंच का, के कुछ कहना चाहोगे? देखो जी बढ़िया तरीके तो पढ़ी लिखी बहू है, बढ़िया बढ़िया काम कराई। 30-35 किलो दूर से पानी लेना पड़ा बहू बेटिया ने, हाँ। उस पानी की पानी का पक्का इंतजाम करेगी। लड़की लटक लटक के जय है, बस का प्रबंध होगा, बह कह देता है जल की जरूरत है काम ने, पक्की गाड़ा की जरूरत है, गाड़ा में चिक्कड़ आज भी, सरकार तो बहुत देरी है लेन नहीं रही, क्या करे है। तो जी हम तो प्रार्थना यह करा गाँव ढोड़ा था 36 बिरादरी था कि बहू ने देखे इसका नहीं लिखाए और इसके वोट डाले ज्यादा से ज्यादा। देखो जी आपने एक बात बहुत बढ़िया बताई, महिला की समस्या महिला ही जान इसका है, पानी लेना पड़े दूर तय और भी बड़ी समस्या, एक महिला या महिला की आवाज उठा इसका है, तो आपने बहुत बढ़िया बात बताई जी। हाँ जी। तो और क्या अपील करना चाहोगे गाँव के लोगों से? डग्गी का सुधार, किन्ना पाठशाला सुधार, नाच मंडी हमारे नहीं जी, बड़का का कोर्स करने का कोई वो नहीं है, वो भी करवाएंगे, कोई परचेज सेंटर भी नहीं है, नहीं हमारा स्कूल ने तोड़वाना चाहो और नहीं टूटन देंगे जी, हम पूरा जी लाएंगे, जी जानते हैं, पूरा जोर लगाएंगे और स्कूल को ऊंचा बढ़ाएंगे। तो मुकेश जी हमारे साथ है, नमस्कार मैडम जी। नमस्कार जी, सभी गांव वासियों को राम राम। मेरी सबसे पहले तो हमारे गांव में पानी की समस्या है जी, मेन तो लेडीज सारा दिन गांव में काम करती, खेतों में काम करती हैं और फिर शाम को आकर बेचारी पानी के लिए भाग दौड़ती हैं। नंबर दो, गांव में पानी की निकासी नहीं है जी। नंबर तीन, सारी गलियां टूटी फूटी पड़ी है, कहाँ भी एक भी सड़क नहीं है, कुछ भी, मान लीजिए जो सरपंच है कुछ भी भविष्य के लिए कुछ भी नहीं करते। नंबर तीन, एक लड़कियाँ गाँव से बाहर पढ़ने के लिए जाती हैं, सभी लड़कियों को बाहर गाँव वाले बाहर नहीं भेजते और स्कूल का विशेष ध्यान रखना है। नंबर पाँच, एक लाइट का गांव में कहीं भी रोशनी का कोई प्रबंध नहीं है जी। तो ये सारी चीज़, हाँ ये सारी चीज़ें, सब फैसिलिटी होनी चाहिए जी। तो देखो मतलब एक चीज़ तो मैं कहना चाहूँगी, मतलब बहुत सारे सरपंचा तो बात करी है लेकिन इन ने ना बिल्कुल समस्या गिन रखी है कि ये समस्या करवानी है, नंबर वाइज बता दी है जी। मेन समस्या यही है गाँव में जी। नहीं मेन समस्या है मैं मानती हूँ, लेकिन सरपंच वैसे बता देते हैं कि यह समस्या है या समस्या, लेकिन आपने पूरी गिन रखी है, यह अच्छी बात है। शिक्षा का तो कोई है ही नहीं जी सिस्टम, डोड़ा वैसे भी लिंक कोई नहीं भेजता नहीं जी, और डोड़ा तो वैसे भी लिंक रोड पे है ना, तो आने जाने में भी समस्या होती है। यहाँ कोई साधन नहीं है जी, यहाँ खड़ी रहती है लेडीज शाम को, एक ही बस की फैसिलिटी नहीं है जी यहाँ कोई भी, देखो मतलब ना कोई विशेष ध्यान रख दे। एक चीज तो मुकेश जी की बातों से क्लियर हो रही है, मतलब सरपंची को लेकर या फिर लड़कियों को लेकर इनके मन में है जिज्ञासा कि मेरे को ये चीज करनी ही करनी है, तो जिज्ञासा इनके अंदर से अलग दिखाई दे रही है कि हाँ अगर गांव वाले मिलजुल कर इनको सरपंच बनाते हैं तो ये लड़कियों के लिए कुछ ना कुछ करेगी और गाँव के लिए भी बहुत कुछ करेगी, क्योंकि अब की बार लेडीज में सरपंची है और जहाँ तक मेरे को पता है एक महिला का दर्द एक महिला ही समझ सकती है, तो इसको पता है कि जो लड़कियाँ हैं कैसे परेशान होती है, कैसे आती जाती, क्योंकि लिंक रोड पे डोड़ा गाँव ना आने जाने के साधन है। नहीं जी कोई साधन नहीं है जी, यहाँ बस स्टैंड पे खड़ी रहती है घंटे दो घंटे, इतना लेक्चर चला जाता है लड़कियों का, टाइम पे पहुँचती नहीं और फिर उड़े ताड़ में भी शाम हो जाती है। हाँ जी लेट हो जाती हैं, बस तो सिर्फ 6 बजे आती है, उसके बाद कोई बस नहीं आती, लड़कियों को तो बहुत कमी महसूस होती है इन साधन न होने के कारण। तो मुकेश जी क्या अपील करना चाहोगे गांव वालों से? मैं गांव वालों से हाथ जोड़कर प्रार्थना करती हूँ कि भाई एक सेवा का मौका दे, मैं सारी लेडीज लुगाइयों के लिए हर समस्या का समाधान करूँगी और उस पर खरी उतरूंगी ताकि आने वाली लड़की परेशान ना हो। परेशान ना हो बिल्कुल।
तो मतलब मुकेश जी बिल्कुल मुकेश जी ने जो अपील किया गांव वाले से कि एक बार इनको जो इन आपकी बहू बेटी आपके गांव की उनको मौका दे के देखे सहयोग करे तो शायद ये आपको कभी शिकायत का मौका नहीं देंगी। जो आप विश्वास बना के इनको सरपंच पद के लिए चुनोगे तो उस पर शायद खरी उतरेंगी ये। और एक बात मेरी रह गई, सर ने बताया था कि लाइब्रेरी खोल रखी है, सर कोई उरे गांव में लाइब्रेरी है नहीं है जी गांव में? तो फिर आप प्रयास नहीं करोगे गांव में लाइब्रेरी होनी चाहिए ताकि बच्चे बाहर नहीं जा सके? हाँ जी, हम उसमें पूरा प्रयास करांगे कि पूरी कोशिश करांगे कि हमारे बच्चे बाहर नहीं जाए, क्योंकि लड़कियां जाने में बहुत असमर्थ हैं क्योंकि साधन की भी समस्या है। हाँ, तो हमने 90% कोशिश करांगे अपने गाँव के अंदर ही इसका लाइब्रेरी का मैं प्रोग्राम करा ताकि हमारी बेटियां ऊपर चढ़े अच्छे स्तर पर चले। जैसे हमारी बहन है, बेटियां जुकर भाई है, वह भी लटक लटक के जाओ, साधन की व्यवस्था रहे, बस नहीं आंदे, तो आप कोई प्रयास करोगे चलाने का? हाँ जी, हम प्रयास करांगे हमारी, हाँ पूर्ण रूप से प्रयास करांगे कि हमारी जींद से जो डेवलाएगी और आगे भी निकासी के लिए मतलब दूर आगे कैथल इसमें कैलाच साइड में नरवाना साइड में अगर पूर्ण रूप से हम सुचारू रूप से बस लाने का पूरा पूरा प्रयास करांगे जी। धन्यवाद। देखो सर के विचार सुने शास्त्री जी के, तो आपका के कुछ कहना है, एक सभ्य कमेंट के जरिए अपनी राय रखनी है, तो फिर मिलांगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।